हमारे साथ इस वक्त है लक्ष्मी नारायण चावला जी, जो प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक उन्होंने फिल्म बनाई है जिसके बारे में उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया है। सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में अरुणाचल का जो फिल्म हमने किया था, दैट वाज फॉर द बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया था। उनका एक प्रोजेक्ट हमको कवर करना था, पर वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के प्राकृतिक संपदा का एक अपना अलग महत्व है, बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम द सिटी लाइफ जो आज हम देख रहे होते हैं। शहरीकरण की वजह से जो कंक्रीट जंगल की जिंदगी आज हम कंक्रीट जंगल में हम लोग रह रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग है। और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम ये बताना चाह रहे थे कि धरती माँ ने हमको अपनी प्राकृतिक संपदा से इस तरह से नवाजा है और हम उसके बिल्कुल भी कदर नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे कई तरह से हम इसके नुकसान को झेल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा तो है हमारे सीजन ऑर्डर, जिसको मौसम का बदलाव कहते हैं, वो आ गया है। एंड उसी के साथ साथ जीव हम लाइफ में अगर देखा जाए, क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, हमारी लाइफ में हेट्रेट, हमारी लाइफ में एग्रेशन, हमारी लाइफ में एक दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। यही अगर जितना हम प्रकृति के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो इंसान अपने आप को भी पहचान पा रहा होता है। तो आज 5 तारीख को जैसे भी पर्यावरण दिवस भी होके आता है, तो उसके सिलसिले में तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप प्रकृति को अपनाइए, प्रकृति आपको अपने आप अपना लेगी। आप जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना ही आप प्रकृति जीवन से भी दूर होते चले जाएंगे। आज यही है कि आप एक मशीनी जिंदगी जीने को मजबूर है। और आज पूरा देश दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, उसके बारे में आप कहते हैं? असल में वो फिल्म था हमारा दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, हाइजीन कंट्रोल एंड रोल और एंड क्लीनलीनेस इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल्स में हाइजीन कंट्रोल कैसे हो और साफ सफाई कैसे बनी रहे। उसमें जो हॉस्पिटल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या क्लीनिंग स्टाफ है, उनका क्या रोल है, और उससे भी बढ़ के रोगियों के साथ आने वाले जो उनके रिश्तेदार होते हैं या अटेंडेंस है जो उनसे मिलने आते हैं, उनका क्या रोल है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जितने भी जानने वाले हैं वो दिली तौर से चिंतित हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे, जाके उससे मिलना चाहेंगे। मिलने जाना भी एक तरह से अगर देखा जाए तो उस रोगी के लिए नई मुसीबत पैदा हो जाती है, डॉक्टर्स को अपना काम करने में मुश्किल पैदा हो रहा है। तो उसमें तो हमने ये दिखाने की कोशिश किया गया था। और दूसरा, आज जो कोरोना वायरस का एक अटैक चारों तरफ जिसको पैंडेमिक के रूप में फैल गया, विश्व स्तर पे इसने पूरे विश्व को अपनी जकड़ में ले लिया है। देखिए, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि आज का नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर अभी हमने स्टडी किया तो 1960 में ये डिटेक्ट हो चुका था, लेकिन अब कोविड-19 के रूप में ये नया आया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, किसी भी बीमारी का एक प्री मेडिकेशन एंड पोस्ट मेडिकेशन होता है। बाई चांस है कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसका ना प्री मेडिकेशन है ना पोस्ट मेडिकेशन अभी कोई हो पाया है, ना प्री मेडिकेशन कोई ईजाद हो पाया है। तो इसमें सबसे बड़ा तो एक ही रास्ता बचता है कि हम खुद को कैसे इससे बचाएं। हम दूरी बना के रखें, अपने जब भी हाथ धोएं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है, जो जो बताया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, स्वास्थ्य विभागों द्वारा, हमको उसको फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम इससे बचे रह सके। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये बीमारी आपको कॉन्टैक्ट से होती है। जब आप एक से दूसरे से मिलते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन कोरोना करियर है। हमें उससे नफरत नहीं करना है, लेकिन दूरी बना के रखना है। तो कोई भी अगर कोरोना मरीज आगे हो गया है तो उससे कोई नफरत नहीं होनी है, उससे दूरी बना के रखनी है ताकि उसका वायरस आपको ना चले। लॉकडाउन की वजह से सर, अभी थिएटर आर्टिस्ट की जिंदगी पे और फिल्म आर्टिस्ट की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, लॉकडाउन से ये दो जो समाज का हिस्सा है, आर्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा एक मुश्किल की स्थिति में आ गए हैं। देखिए, बड़ा कोई आर्टिस्ट है, बड़ा पैसा कमाने वाला है, उसका तो एक अलग है। थिएटर आर्टिस्ट को तो कभी इतनी कमाई कभी थी ही नहीं, उसने कभी पैसा भी नहीं है। उसी के साथ साथ फिल्म एंड टीवी में भी जो बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, तो एक तरह से वो डेली वेजिस पे ही काम कर रहे थे, और ये भी नहीं कि उनका हर महीने में लगातार काम चलता है।
तो किसी तरह से वो ठीक है, सरवाइव कर पा रहे थे, पर आज जब लॉकडाउन हो गया है तो उनके पास कमाई का साधन ही नहीं बचा है। जो बचा खुचा पैसा था, कितने ही बॉम्बे में ऐसे, दिल्ली में ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरी अपनी जानकारी में है, बेचारे बहुत ही कष्टमय स्थिति में जी रहे हैं। आज देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है, इतना लगी कि एक गरीब आदमी है उसके लिए सरकार कह रही है ठीक है हम आपको खाना मुहैया करवा रहे हैं, भोजन मुहैया करा रहे हैं। अब ये एक ऐसी जमात है समाज की जो कह भी नहीं सकता कि हम किस दुख में जी रहे हैं, और सरकार उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी चीज है ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, थिएटर तो चलो एक बार को अलग मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिल्म और टीवी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत बड़ी तादाद में लोग आकर्षित होकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा होता है। एक्चुअली मेरा एक फिल्म है अभी हम करने जा रहे हैं, मैंने पहले एक फिल्म किया था यूज ऑफ इंडियन रेलवे इन इंडियन सिनेमा, जिसमें मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को इंटरव्यू किया था कि उनका क्या, क्यों वो अपनी फिल्मों में रेलवे यूज करते हैं। तो उसी समय एक विचार मेरे मन में आया था, जब मैं, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक मेरे विचार मन में आया कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा उजागर किया जाए कि लोग अगर आ रहे हैं तो उनका भविष्य क्या है, क्या कोई इस इंडस्ट्री को अभी भी कोई रिकग्निशन नहीं मिल पाया है। देखिए आज अगर कोई एक इंजीनियर है तो उसको पता है, आज किसी को किसी भी इंडस्ट्री में किसी इंजीनियर को हायर होना है तो उसकी एक प्रॉपर एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, हर चीज है, ठीक है। आप और सारी बात छोड़िए, अगर किसी को गार्ड भी रखना है तो उसका भी एजेंसी के थ्रू एक अप्रूवल होकर फिर उसको मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री में तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए चलिए टेक्निकल स्टाफ को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, कैमरा कोई है या कोई लाइट कोई या एडिटर कोई बना है तो उसको थोड़ा बहुत सीखा है। आर्टिस्ट का सोचिए, उनके पास कुछ भी नहीं है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है आए बस एक टैलेंट ही है, बस एक टैलेंट भी है, वैसे सिर्फ टैलेंट है और सबसे बड़ी बात है एक इच्छा है। और उसमें जो है ना जी सबसे बड़ी जो दिक्कत कहाँ आ जाती है कि आप आकर्षित होके इस लाइन से जुड़ तो जाते हैं लेकिन काम मिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आप इससे अलग नहीं हो पा रहे होते। आपके जीवन यापन का रास्ता सिर्फ यही है कि आप इसमें काम करें, और काम इतना मिल नहीं पा रहा है और उसका भी कोई अभी तक रास्ता नहीं बन पाया। और ऐसे में सोचिए कि लॉकडाउन जब हो गया है तो उनकी क्या हालत हो रही होगी, यानी उनका बेचारों का तो स्थिति ये है। देखिए ना वो ये कह सकते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हाँ ये कह, उनका पता कब लगता है कि जब 3-4 ने सुसाइड कर लिया आर्टिस्टों में तो पता लगा कि इस वजह से उनका डिप्रेशन में आके वो खत्म हो गए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो एक सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि किस पर्टिकुलर जमात को, समाज की ये भी एक हिस्सा है, आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का, उनका भी ध्यान रखना है। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करता हूँ कि मेरी ये बात सरकार तक पहुंचेगी और उसके कुछ कदम उठाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।